नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दोहरे हत्याकांड में शामिल तीन अभियुक्तों को लंका व क्राइम ब्रांच टीम ने किया गिरफ्तार। नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अभियान चलाकर हटाए गए अतिक्रमण व प्रतिबंधित पॉलिथिन को किया गया जब्त। काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा 5 दिवसीय गणेश उत्सव का हुआ शुभारंभ। और गंगा के जलस्तर में तेजी से गिरावट हो रही है, लेकिन लोगों को कई बीमारियां फैलने का सता रहा डर। और अब खबरें विस्तार से। दोहरे हत्याकांड में शामिल तीन अभियुक्तों को लंका व क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में शामिल तीन आरोपी गणों को थाना लंका पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। विगत 3 जुलाई को थाना क्षेत्र लंका के नरिया में घर के अंदर माँ और बेटी की निर्मम हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिसको थाना लंका पुलिस द्वारा संज्ञान में लेते हुए थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा घटना के अनावरण हेतु गठित लंका थाना क्राइम ब्रांच व सर्विलेंस सेल की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर खास से प्राप्त गोपनीय सूचना व CDR के अवलोकन CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी गण को लंका क्षेत्र में सरकार ढाबे के पास से आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण की निशानदेही पर तीसरे अभियुक्त को नरिया तिराहे के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त गण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद हथौड़ा व ईंट का टुकड़ा नरिया प्राथमिक विद्यालय के पीछे झाड़ियों से बरामद किया गया। देखिए, दिनांक 13 जुलाई को नरिया जो क्षेत्र जो लंका थाना में है, वहाँ पे एक मकान के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्धा लगभग 58 वर्ष की महिला और उसकी बेटी जो लगभग 27-28 साल की थी, इन दोनों का शव प्राप्त हुआ था। और चूँकि शव काफ़ी पुराना हो चुका था तो तत्काल कोई विजिबल चोट के निशान समझ में नहीं आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचा के हत्या की गई होगी और काफ़ी शरीर जो है सड़ गल सा गया था। और जब हम लोगों ने वहां आसपास घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो 2 तारीख के तक के अखबार पढ़े गए थे। 3 तारीख का अखबार यथावत घर में पड़ा था, जिससे एक अंदाज़ा हम लोगों को लगा कि ये घटना 3 की रात की होगी। और पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग मर्डर केस था। एक तो ब्लाइंड था, दूसरा दोनों मृतकाओं के आसपास के जितने लोग थे वो सभी हत्या के संदिग्ध के रूप में प्रतीत हो रहे थे और मृतका को जानने वाले लोगों का भी शक उन सभी लोगों पे था। यहाँ तक कि मृतका के 2 बेटे थे और एक बड़ा बेटा दिल्ली में रहता है, छोटा अपने एक परिचित के यहाँ चोलापुर थाना क्षेत्र में रहता था। सबसे पहले सर्वाधिक शक इन दोनों बेटों पर था, क्योंकि संपत्ति को लेकर माँ और बेटों के बीच का जो रिश्ता था वो बहुत ही खराब स्थिति में पहुँच चुका था और माँ को पूरी तरह आशंका थी कि उसके बेटे उसकी हत्या कर सकते हैं। दूसरा, पड़ोसियों से भी मृतका के अच्छे संबंध नहीं थे। इसके पूर्व कई बार मृतका थाने पर सूचना याद देती रही थी, इसमें पड़ोसियों के खिलाफ आरोप लगाती थी कि ये मेरी हत्या कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि मृतका का जो मकान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर 80x80 फीट का था, जिसका विभाजन 4 भागों में हो चुका था रजिस्टर्ड वे में, जिसमें एक हिस्सा माँ के नाम था, एक बेटी के नाम और एक हिस्सा दोनों बेटों के नाम थे। अब 80x80 की ज़मीन का जो मूल्य हो सकता था वो मूल्य घट करके 80x20 फीट के होने की वजह से उस ज़मीन का मूल्य बहुत कम हो गया था। तो एक आशंका ये थी कि जो कुछ ज़मीन के कारोबारी उस ज़मीन को खरीदवाने या बेचने के प्रक्रिया में जुड़े हुए थे उनकी भी भूमिका हो सकती है कि अगर इन दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो ज़मीन 40x80 और 40x80 की केवल 2 होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि बड़ा बेटा अपने हिस्से को बेच चुका। मन में विजयपाल से इस महिला के कुछ विवाद थे
और दोनों के बीच में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, तो विजय पाल की मंशा भी ठीक नहीं थी। वो चाहता था कि बुढ़िया के यहाँ कोई बड़ी घटना चोरी याद करा दी जाए जिससे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो, तो उसी के द्वारा मोटिवेटेड हो करके दो सगे भाई जिनके नाम अमन उर्फ किशन विश्वकर्मा और आदित्य उर्फ अतुल विश्वकर्मा है, इन दोनों ने मिल करके और विजय पाल जो पड़ोसी है उसकी साजिश से रात को लगभग 2 बजे के आसपास पीछे के रास्ते से जिधर स्कूल है वो अंदर कूद के प्रवेश किया। थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे, इसके बाद इन्हें लगा कि अगर हम बर्तनों को उठा पटक करेंगे तो बिल्ली आज समझ के हो सकता है वो महिला जगे और बाहर देखने के लिए आए, तो हम उसको कब्जे में लेकर के फिर घटना करेंगे। ठीक ऐसा ही इन्होंने किया। कुछ बर्तन इन्होंने पटके, जो 58 वर्षीय महिला थी उन्होंने लाइट जलाई, दरवाज़ा खोला, जैसे ही बाहर आई तो इन्होंने ईंटे से मारा। इसके बाद वहाँ एक हथौड़ी थी उससे चोट पहुँचाई, फिर उसकी बेटी अंदर से भाग के आई तो उसे भी हथौड़े और ईंटे की चोट पहुँचा करके मृत कर दिया, और घर के अंदर जो सामान थे उनको उठा लिया, जिसमें इनका कहना है कि उसके बड़े बक्से में लगभग 50 हज़ार रुपये की 2 गड्डियाँ थी, 1 लाख रुपये कैश था और काफ़ी मात्रा में आभूषण आदि थे। तो इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और 4 मोबाइल फ़ोन भी उसके साथ ले गए थे, और मोबाइल फ़ोन ले जाने के बाद इसमें जो अभियुक्त अमन उर्फ किशन विश्वकर्मा है ये वर्तमान में नागपुर में रहता है काफ़ी दिनों से, वहाँ पर भी इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं, 1 हत्या का मुकदमा है, 1 नकबजनी का मुकदमा है, तो शातिर अपराधी है। मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले गया था, बाद में वापस आया तो 1 मोबाइल फ़ोन अपने दूसरे भाई को दे दिया था, तो 4 में से 3 मोबाइल फ़ोन की फ़ोन की बरामदगी हो गई है। इसके अलावा अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 12,000 के आसपास रुपए बरामद हुए हैं, पैसे इन्होंने खर्च कर दिए थे, काफ़ी समय हो गया था, और सोने की चेन और अंगूठियाँ, कान के टॉप्स, जूतियाँ, 11 अदद देवी देवताओं की आकृति के लॉकेट, 10 अदद अंगूठी और NSC के कागजात, 20,360 रुपये नगद और मोबाइल फ़ोन आदि, ये सब इनके कब्जे से बरामद किया गया है। और मृतका के छोटे बेटे ने आकर के उसकी शिनाख्त भी की है कि ये उसी के घर का सामान है। नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया, साथ ही प्रतिबंधित पॉलिथिन को जब्त किया गया। नगर निगम व प्रवर्तन दल के कर्मियों द्वारा पॉलिथिन व अतिक्रमण कर रहे लोगों पर गौदौलिया, गिरिजाघर आदि क्षेत्रों में जोरदार अभियान चलाकर पॉलिथिन जब्त किया गया व लोगों को सामान को सड़कों पर से हटवाया गया। कुछ लोगों के चालान भी काटे गए और लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर तत्काल अतिक्रमण जो लोग नहीं हटाते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पूरे क्षेत्र में इस दल को देखकर अफरा तफरी मच गई, लोगों ने खुद सामान हटाने शुरू कर दिए हैं। इसमें भर लो। ये कंप्लेन आई थी कि ये जो पुलिस चौकी के पीछे वाली गली में अतिक्रमण है, तो आप देख रहे हैं सामने ये जो पूरा लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है गली के ऊपर, और इसके ऊपर चौका वगैरह बिछाने का काम चल रहा है, तो इसमें भी बाधा हो रही है और अतिक्रमण तो है ही, तो इसलिए इनको हटवाया जा रहा है। पॉलीथीन रास्ते में एक किसी के पास 10 किलो पॉलीथीन पकड़ा गया था, मगर वो भाग गया, तो उसका बाकी सामान हमने उठा लिया है। तो अतिक्रमण करने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से जाने के बाद फिर अतिक्रमण हो गया? देखिए, ये समस्या पूरे बनारस की है, हम हर जगह हटवाते हैं, हम तकरीबन कोई मेरे ख्याल से संडे भी नहीं छूटता हमारा, अतिक्रमण चलाते हैं हम। अतिक्रमण अभियान चलाने के बाद फिर जिम्मेदारी प्रशासन की होती है किस तरह उसको कंट्रोल करें। हमने एक बार हटा दिया, नगर निगम हटवा के सफाई करवा देगा, उसके बाद न लगने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, किस तंत्र की मैं बता नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगे?
अतिक्रमणकारियों को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाई आपके नाम पे जो ज़मीन है आप उससे एक इंच भी मत बाहर निकलिए, क्योंकि ऐसा भी मामला आया है कि कोई 3 इंच बढ़ा लिया तो बोले 3 इंच में क्या जाता है, बढ़ा लेते हैं हम, तो उसकी भी शिकायत हो गई है। गलियाँ यहाँ पर वैसे ही छोटी हैं, अब उसमें अगर कोई आदमी 3 इंच एक तरफ 3 इंच एक तरफ, आधा फिट तो गया गली, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। तो यही कहेंगे भाई जो आपकी ज़मीन है उसमें रहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा 5 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। आज भैरव स्थित अग्रवाल भवन के सभागार में श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा 5 दिवसीय गणेश उत्सव का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि यहां मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति स्थापित की जाती है। इस मौके पर श्री खुंटे जी महाराज के आचार्यत्व में 16वें श्री गणेश उत्सव के समारोह का पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी ने दीप जलाकर व महाआरती का शुभारम्भ किया। वहीं रात्रि में महाआरती मंत्री दयाशंकर मिश्र द्वारा की गई। महाआरती में श्री काशी विश्वनाथ डमरूदल ने डमरू वादन किया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के प्रतिभा किया। समारोह में मानिक राय पाटिल, संतोष पाटिल, सुहास पाटिल, आनंद सूर्यवंशी, बजरंग शिंदे सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य शामिल रहे। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 5 दिवसीय में ये आज पहला दिन था। आज शिवाजी महाराज का एक कार्यक्रम हुआ है बच्चों का, और कल कौन बनेगा करोड़पति बच्चों का ही है, और फिर बाद में चित्रकला भी आज हुआ है, और ऐसे ही फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन रखे हुए हैं। चलता रहेगा ये लगातार, अभी 4 दिन चलेगा और 5वें दिन विसर्जन है संडे के दिन। और विसर्जन में आकर्षित हमारे जो नासिक से आ रहे 80 लोग जो कलाकार, वो बाजे गाजे के साथ यहाँ से नीची बाग होते हुए चौक, चौक से होते हुए गदुलिया, गदुलिया होते हुए लक्ष्मीकुंड निकलेगा। हाँ, पुरस्कार सबको मिलेगा, ऐसे कैसे बिगर पुरस्कार के थोड़ी चलेगा, नहीं तो बच्चे भाग कैसे लेंगे। हाँ, गंगा के जलस्तर में तेजी से घटाव हो रहा है, लेकिन लोगों को कई बीमारियां फैलने का डर सता रहा है। गंगा के जल स्तर में तेजी से गिरावट जारी है, जिससे गंगा के आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों में खुशी है। वहीं बाढ़ के बाद आने वाली परेशानियों से डर व्याप्त है कि बाढ़ के साथ आई गंदगी और सिल्ट के चलते कहीं महामारी न फैले। डेंगू, मलेरिया और गंदगी से होने वाली तमाम बीमारियों से दुचार न होना पड़े, अतः गंगोत्री विहार, 80 नगवा, छित्तूपुर, भगवानपुर आदि क्षेत्रों में लोगों ने प्रशासन से ब्लीचिंग पाउडर, एंटी लार्वा और गैमसिंग पाउडर के अलावा सारे जगह को सैनिटाइज करवाने की मांग की है। यहाँ जिस तरह की है कि गंगा का जलस्तर घट गया है, और गंगा का जलस्तर घट जाने के कारण हमारे यहाँ कॉलोनियों में बीमारियों का जो है अंबार लग जाने वाला है, जैसे मलेरिया है, मच्छर की बीमारी है, ये आपका गंदगी से जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब हम लोगों के साथ समस्याएं आने वाली हैं। और अभी प्रशासन से इस तरह का अभी कोई मदद नहीं आया है, उम्मीद है कि प्रशासन कुछ दे जिससे कि छिड़काव करवाए, साफ सफाई करवाए, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छिड़काव करवाए, सैनिटाइजेशन वगैरह करवाए, जिससे कि इन गंदगियों से हम लोग बचा जा सके। और ये देख रहे हैं जिस तरह की ये पूरा सिल्ट पड़ा हुआ है, और इस सिल्ट में कई ऐसे कीड़े मकौड़े हैं जो कि नुकसानदेह हैं हम लोगों के लिए। गणेश जन्मोत्सव पर लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में श्रृंगार व संगीत समारोह का आयोजन हुआ।
गणेश जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में बाबा का भव्य श्रृंगार व भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर भक्तों के लिए पट खोल दिया गया। जय जयकार के उद्घोष के साथ बड़ी संख्या में भक्तों ने हाजिरी लगाई। बाबा को अनेकों प्रकार के भोग लगाए। देर रात तक नामचीन कलाकारों द्वारा गीत व नृत्य की प्रस्तुति भी की गई और अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की महिमा का बखान किया। इस दौरान देर रात्रि तक भक्तों ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इस मौके पर सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। आज बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह 4 बजे मंदिर खुल गया था। दोपहर में दूध दही घी शहद चीनी पंचामेवा से अभिषेक किया गया, फिर बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। हाँ, सब भजन कार्यक्रम होते हुए ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मन मान के फल मिलता है। हाँ, असंतान उत्पत्ति होती है। कितने दिन का त्योहार चलता है? ये यहाँ 9 दिन का चलता है। गणेश नवरात्रि 9 दिन चलेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वाराणसी फर्स्ट लार्जेस्ट किड सेक्शन स्कूल KK चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी। Pattern from class playgroup to class 12. Our first branch Vijayagar branch opposite petrol pump. Second branch Ramapura branch. Third branch Mahesh Nagar colony at Lanka Samne Ghat. And fourth branch Gurudham branch near Ram Janaki Mandir Varanasi. Our contact 240-3439-245-900-9335-130-134 and 87-9903-4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi.
आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। मेनी एक्स्ट्रा कैरिकुलर्स, बस फैसिलिटी अवेलेबल फॉर ऑल रीजन ऑफ वाराणसी एंड अदर रीजन्स, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी रामनगर वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी माता मंदिर में शनिवार से सुरहिया मेले का आरंभ होगा। आगामी 3 सितंबर से लक्ष्मी कुंड स्थित माता लक्ष्मी के मंदिर में 16 दिवसीय दर्शन पूजन व सुरहिया मेला लगाया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आकर अपने पुत्र की दीर्घायु के साथ सुख समृद्धि की कामना करेंगी। इस दौरान मंदिर के उप महंत ने बताया कि इस मेले को लोग लखा मेले के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत में महिलाएं दर्शन पूजन करने के साथ उपवास भी करती हैं। इस व्रत में माता को 16 श्रृंगार का सामान व 16 गांठ का धागा अर्पित किया जाता है। इस वर्ष सुरहिया मेला शनिवार को 3 तारीख से शुरू हो रहा है, जो कि शनिवार को 9:40 पर सुबह लग रहा है अष्टमी, और अष्टमी से लेकर अष्टमी तक यह मेला, यह लक्ष्मी माई का पूजा पाठ होता है। इसमें 16 दिन हमारे काशी के और भी प्रांत के सभी महिलाएं 16 दिन व्रत रहकर लक्ष्मी माता का पूजन, कथा, व्रत, फेरी इत्यादि सब काम कार्य करती हैं, और यही लक्ष्मी कुंड पर बैठ के माता का कथा सुनती हैं, 16 गांठ चावल, धूप, माला भगवान लक्ष्मी माई को अर्पित करती हैं, अपने घर परिवार सुख समृद्धि के अवसर के निमित्त यह कामना करके 16 दिन लक्ष्मी माता का पूजा पाठ करती हैं। तो मेला भी लगता है क्या इस क्षेत्र में? हाँ, कोरोना के कारण 2 साल से मेला नहीं हो पा रहा है। इस वर्ष सब कुछ ठीक हुआ है, इसलिए इस वर्ष हमको उम्मीद है कि सब कुछ लगेगा, मेला वाला सब चीज़ होगा। तो गुरु जी, किसके लिए व्रत करती हैं महिलाएं? ये व्रत महिलाएं करती हैं अपने पुत्र, पति के दीर्घायु, सुख समृद्धि अवसर के लिए यह व्रत करती हैं, और 16 दिन लक्ष्मी माता का पूजन करती हैं व्रत रहकर। बंगाली टोला इंटर कॉलेज में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। बंगाली टोला इंटर कॉलेज में बंगाली समाज द्वारा पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित समाज की महिलाएं व पुरुषों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति के बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अमिताभ भट्टाचार्य, चंदन दास गुप्ता, रीना पात्रो, अनुज नांग, संगीता शर्मा, कार्यक्रम संयोजक पीयूष भट्टाचार्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, हम लोग इसका पुण्यतिथि मना रही है, क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश ये दे रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी, और इनका जो है कि एक वीरभूम गांव से, छोटे से गांव से 11 दिसंबर को इनका 35वें जन्म हुआ था, और हम लोग सब आज बंगाली समाज से ही पहले उपराष्ट्रपति हुए थे, तो अब उन्हीं का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। आज हम लोग जो कार्यक्रम था, हमारे त्रयोदश राष्ट्रपति माननीय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की शरण में हम लोग आए थे। ये उनका द्वितीय पुण्य तिथि है, जिसमें हम लोग काशी की वासी सब लोग आए थे, उनकी पुण्यतिथि हम लोग पालन किए, और उनके जीवन दर्श में हम लोग उनको
उनके साथ हम लोग आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे इसके लिए? प्रणब मुखर्जी के बारे में संदेश तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हमको जो लगता है उनके जीवन आधार में, जो उनकी जीवन में राजनीतिक जीवन में एक दाग नहीं थे, आज के दिन में जो असंभव होते हैं ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं जिसके पास दाग नहीं होते हैं, लेकिन उनके वस्त्र भी शुभ्र होते हैं, सादा होते रहते हैं, और ठीक उनकी पूरे जीवन भर उनके जीवन में कोई दाग नहीं है राजनीतिक जीवन में, और उनके जीवन में वो एक प्रेरणा है हमारे लिए, एक मंत्र ये है जो देश के लिए करो, समाज के लिए करो, सेवा करो। बाढ़ में हुए घटाव के चलते 80 सुबह बनारस का मंच आधा दिखने लगा है। बाढ़ का पानी काफ़ी तेज़ी से घट रहा है, जिससे 80 स्थित सुबह बनारस का आधा हिस्सा दिखने लगा है। वहीं बाहर से आए श्रद्धालु मायूस दिखे, जो कि बनारस के घाटों को निहारने और यहां की यादें अपने दिलों में भरकर ले जाते हैं, लेकिन बाढ़ के चलते वे घाट का आनंद नहीं ले सके, बल्कि यहां फैली गंदगी से उन्हें काफ़ी समस्या हुई। कलम दसों में घाट पे थे, वहाँ पे भी पानी बहुत नीचे जा चुका और अभी 80 घाट पे आए हुए हैं, यहाँ में पानी काफी नीचे जा चुका है, लगता है दो दिन में सब स्मूथली सब सही हो जाएगा। गौमठ मणिकर्णिका घाट स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। गणेश चतुर्थी पर्व पर गौमठ मणिकर्णिका घाट स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में रिद्धि सिद्धि के साथ विराजे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के वार्षिकोत्सव श्रृंगार का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ भी धूमधाम से हुआ। इस मौके पर सर्वप्रथम प्रातः अथर्व शीर्ष का सहस्त्र पाठ व मोदक से हवन सवामणि की गई। तत्पश्चात नवीन वस्त्र व धूप तथा रंग बिरंगे फूलों से भगवान श्री गणेश का श्रृंगार किया गया तथा गणपति को प्रिय मोदक बेसन के लड्डू का भोग लगाकर विशेष आरती मंदिर के पुजारी द्वारा उतारी गई। श्रृंगार झांकी का दर्शन करने के लिए सुबह से लेकर रात तक भक्तों का आना जाना लगा रहा। साथ ही इस मौके पर शास्त्रीय संगीत का आयोजन भी किया गया। मंदिर के प्रधान व्यवस्थापक राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मणिकर्णिका तीर्थ के ठीक बगल में स्थित रत्नेश्वर शिव सिद्धि विनायक का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यह अष्ट विनायक के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पिछले कई वर्षों से गणेश चतुर्थी के मौके पर 5 दिवसीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित होता जा रहा है। इस मौके पर मंदिर के महंत गोपाल कुमार शर्मा, नित्यानंद शर्मा, ज्ञानेश्वर शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहे। आज किस तरह का श्रृंगार किया गया, पूरा कार्यक्रम क्या है? आज का यह कार्यक्रम प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी ये बड़ी प्राचीन बड़ी पुरानी पूजा है जो क्रम चलता आ रहा है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष वैनाकी चतुर्थी के अंतर्गत पंचदिवसीय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हैं जो 31 तारीख से दिनांक 4 तारीख तक है, जिसमें मुख्य रूप से दिनांक 31 तारीख और 1 तारीख को विशेष श्रृंगार की झांकी और 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी रखा गया है पर्व के प्रतिवर्षानुसार। सायंकालिक 31 तारीख आज दिन बुधवार को प्रातः
चार बजे भगवान गणपति को सिंदूर अर्पण हुआ। नवीन पोशाक आभूषण एवं पुष्पमाला से अलंकृत यह अलौकिक झांकी आपके बीच। तो प्रातः अष्टौ ब्राह्मणान समग्राहित्वा आठ ब्राह्मणों के सानिध्य में गणेश अथर्व शीर्ष के हजार पाठ का आवर्तन हुआ। उसके बाद मध्यान्ह जो विश्वेश्व माधवम दुंडित दंड पाणिम च भैरवम यमणिकर्णिका पर भी चक्र पुष्करणी पर भी भगवान विष्णु की चरण पादुका भी इसी स्थान पर है, चक्र पुष्करणी भी है, वहाँ पर विराजमान यह सिद्धि विनायक रिद्धि सिद्धि सहित है। तो इनकी पूजा एवं मध्यान्ह का यहाँ पर बड़ा ही महत्व है कि मध्यान्ह में भगवान शिव स्वयं मणिकर्णिका पर आते हैं और स्नान करते हैं। तो मध्यान्ह कालिक में ही 12:30 बजे 1 बजे से गणेश सहस्त्र नाम के द्वारा, मोदक के द्वारा, दुर्वा के द्वारा एवं लावा इन सब चीज़ों के द्वारा हवन का कार्य भी संपन्न हुआ। सायंकालिक आज सांस्कृतिक कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में श्री मयंक मिश्रा जी का गायन भी प्रस्तुत हुआ जो कि 7 बजे से आरंभ था। पहली कड़ी में श्री मयंक जी की हाजिरी लगी और उनके साथ ओम सहाय जी सारंगी पर और धीरज मिश्रा जी तबले पर संगत कर रहे थे। दूसरी पंक्ति में आपके बीच श्री देवाशीष डे जी हैं जिनका गायन चल रहा है, जिसकी ध्वनि आप सुन रहे हैं। और तीसरी पंक्ति में डॉक्टर राजेश शाह जी का सितार वादन भी प्रस्तुत होगा। उसी से आज की दिशा का, आज के दिन का समापन। और कल पुनः फिर 1 तारीख को गणेश जी का दूसरे स्वरूप का श्रृंगार आपके बीच एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 6:00 बजे से पुनः, जिसमें हमारे जो कलाकार कल प्रस्तुति देंगे, दिनांक 1 तारीख को प्रस्तुति देंगे, उनके नाम हैं। प्रथम प्रस्तुति के कलाकार डॉक्टर राकेश जी की बांसुरी प्रस्तुत होगी। दूसरे कड़ी में श्री रेवती सागलकर जी का गायन प्रस्तुत होगा। प्राइमरी पाठशाला के बच्चों के बीच केक काटकर विधायक व मंत्री रविंद्र जायसवाल का जन्म दिवस मनाया गया। शहर उत्तरी के विधायक व प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल का जन्म दिवस काशी व्यापार मंडल कैंट के द्वारा परेड कोठी स्थित पंचवटी मंदिर के पास प्राइमरी पाठशाला के छात्रों के बीच केक काटकर मिठाई व फल वितरण कर मनाया गया। साथ ही भाजपा के स्थानीय नेताओं व संगठन के पदाधिकारियों ने बाबा काशी विश्वनाथ से मंत्री रविंद्र जायसवाल की दीर्घायु होने व जनता के बीच अनवरत सेवा करने की कामना की। इस अवसर पर काशी व्यापार मंडल कैंट के अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे, भाजपा नेता रजनीश कन्नौजिया, उपाध्यक्ष धर्मवीर मौर्य, संजीव गुप्ता समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। आज शहर उत्तरी विधानसभा के विधायक हम लोग लोकप्रिय नेता रविंद्र जायसवाल जी का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने वाराणसी के पंचवटी मंदिर स्थित मॉडर्न पाठशाला में बच्चों के साथ हम लोगों ने जन्मदिन मनाया है और इस खास वक्त में बच्चों के साथ इस उत्सव को हम लोगों ने शेयर किया है, केक काट करके मिठाइयों का वितरण करके इस जन्मदिन के उत्सव को मनाया है। मंत्री जी से क्या उपेक्षा करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर हम लोग मंत्री लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जिससे संवाद करते हैं और सरल स्वभाव के हैं। इस वजह से मंत्री जी जो है हर पल उपलब्ध हो, यह हम लोग की इच्छा है कि जनता के प्रति सेवा भाव उनकी बनी रहे और जनता के लिए हमेशा जागरूक रहे। आज शहर उत्तरी विधानसभा के लगातार दूसरी बार विधायक और राज्य सरकार में मंत्री पंजीयन स्टाम्प और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय रविंद्र जायसवाल जी का जन्म दिवस है। आज हम सब यह वाराणसी व्यापार मंडल कैंट की तरफ से हम सब यहाँ पर उनका जन्मदिवस मलदहिया स्थित प्राइमरी मॉडल स्कूल में मना रहे हैं। बच्चों के बीच में यह संदेश देना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी जिस तरीके से जनसेवा की भावना से जुड़ कर करके बिना राज्य सरकार से तनख्वाह लिए बिना वेतन के काम करते हैं और 24 घंटे सरल सहज की वजह से सभी अपने लोगों के बीच बने रहते हैं, जनता के सुख दुख के भागी बने रहते हैं। इस खुशी के अवसर पर हम सब यहाँ बच्चों के बीच आज फलों का वितरण करके
उनको और मंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर केक काट करके वाराणसी व्यापार मंडल कैंट की ओर से हम सब यहाँ पर उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर दुर्गा कुंड स्थित श्री दुर्ग विनायक गणेश जी का भव्य श्रृंगार हुआ। दुर्गा कुंड के समक्ष स्थित श्री दुर्ग विनायक गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। इस अवसर पर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया तथा उन्हें लड्डू मोदक सहित अन्य व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। महंत अनुराग मिश्र ने बताया कि भगवान गणेश का आज जन्मदिन है। आज गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्म उत्सव को बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। वहीं इस दौरान सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर पुजारी अनुराग मिश्र, महंत तारकेश्वर दुबे, महंत ज्ञानेश्वर दुबे, महंत ईशान दुबे आदि उपस्थित रहे। और भाद्रपद चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आप इस जगह अभी जो इस जगह खड़े हैं जिसका नाम है भगवान गणेश दुर्गापुर में स्थित है, आप कुष्मांडा देवी के सन्निधि में आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भगवान को अनेकानेक प्रकार के पुष्पों का श्रृंगार किया गया। गुरु जी ये कई दिन चले? ये हमारे यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, ऐसे इसको चलाना 11 दिन का है। 11 दिन तक हर्षोल्लास मनाया जाएगा पूरे धूमधाम। और विगत वर्षों की बात ये हर वर्ष ये चला आ रहा है। चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दोहरे हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्तों को लंका व क्राइम ब्रांच टीम ने किया गिरफ्तार। नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अभियान चलाकर हटाए गया अतिक्रमण व प्रतिबंधित पॉलिथिन को किया गया जब्त। काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा 5 दिवसीय गणेश उत्सव का हुआ शुभारंभ। और गंगा के जलस्तर में तेजी से गिरावट हो रही है लेकिन लोगों को कई बीमारियां फैलने का सता रहा डर। तो इतने आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।